Hello, good morning students. How are you? Fine. I am going to teach your subject Hindi standard first. Previous lecture में हमने ट टमाटर तक पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं ख से ठठेरा. क्या पढ़ने वाले हैं? ख से ठठेरा. Okay. Now open your page 21. सब page number 21 निकालो. क्या है ख से ठठेरा? ठठेरा मतलब जो ये बर्तन बना रहा है उसको ख से ठठेरा बोलते हैं. ठीक है, ख से ठठेरा हमको कैसे लिखना है? देखो, ये जो ख दिया हुआ है हमको इस तरह से ख से ठठेरा लिखना है. ठीक है, ये जो हमको यहाँ पे देखो ख पहचान का सर्कल बनाओ. क्या करना है? ख पहचान का सर्कल बनाना है. ये लाइन में जो ख है उस पे सर्कल करना है, फिर ये जो ख है उस पे इस तरह से ये दोनों लाइन में जहाँ पे ख है वहाँ पे आपको सर्कल करना है. आपको पता चल गया होगा किस तरह से करना है, क्योंकि तब तक हमने ऐसी एक्सरसाइज की हुई है. ओके, अब देखो वर्णमय रंग करो. ये जो ख दिया हुआ है उसके अंदर हमको कलर करना है. फिर बिंदुओं को मिला. क्या है? बिंदुओं को मिला. ठीक है, ये जो डॉट्स दिए गए हैं डॉट्स को ज्वाइन करना है. इसके बाद देखो रीगेंगराइ, ये जो ख से ठठेरा दिया गया है वो हमको पढ़ के फिलअप करना है. ठीक है, पढ़ना भी और साथ में लिखना भी है. ख से ठठेरा, देखो ख से ठठेरा, ख से ठठेरा, फिर ख से ठठेरा. इसी तरह से जो नीचे दूसरी लाइन दी गई है उसके अंदर भी आपको लिखना है इस तरह से ख से ठठेरा, ख से ठठेरा. ओके, इस तरह से आपको फिलअप करना है. ठीक है, पढ़ पढ़ के फिलअप करना है ताकि आपको याद हो जाए कि किस तरह से पढ़ना है. अब पेज नंबर 22 निकालो. क्या निकालोगे? पेज नंबर 22. देखो ख के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द ख. ये जो शब्द दिए गए हैं उसके अंदर जहाँ ख है उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है. फर्स्ट देखो मर. क्या है? मर ठहर पाठक पाठशाला और ठ. ओके, तो इसके अंदर ठ कहाँ है? मठ में, ये रहा ठ. तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन की. फिर ऊठ में, ये रहा. फिर ठहर में फर्स्ट लेटर है ठ. पाठक उसके नीचे अंडरलाइन है. पाठशाला में ठ के नीचे अंडरलाइन है और ठग में ठ के नीचे अंडरलाइन की. ठीक है, इसी तरह से हमको ये वाली एक्सरसाइज करनी है. और इतना हो जाने के बाद ये देखो ठ को ठ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो. जो चित्र ठ से शुरू हो रहे हैं वो चित्रों को हमको ज्वाइन करना है. फर्स्ट देखो ये क्या है? ठग. क्या है? ठग. ठग मतलब जो चोर डाकू होते हैं उसको ठग बोलते हैं. तो ये ठ से शुरू हो रहा है तो हमने इसको ज्वाइन किया. फिर क्या है? खरगोश. खरगोश आएगा? नहीं नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये तो ख से चालू हो रहा है. फिर देखो ये क्या है? ठेला. क्या है? ठेला. ठेला मतलब जो लाड़ी दिख रही है ना इसको क्या बोलते हैं? ठेला. तो इसको भी हम ज्वाइन करेंगे. फिर देखो ठठेरा, ये आगे पिक्चर दिया गया है तो इसको भी हमको ज्वाइन करना है. फिर गड़ा. गड़ा आएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो ख से चालू हो रहा है. फिर ठहका. क्या है? ठहका मतलब जोर से हंसना. तो उसको भी हम ज्वाइन करेंगे. ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज हमको करनी है. फिर इतना हो जाने के बाद फिर देखो ठ से अलग वर्णों को क्रॉस करो. ये जो ठ दिया गया है उसके अलावा जो वर्ण दिए गए हैं उन पे हमको क्रॉस करना है. अब तो ये आपको आ गया होगा ये एक्सरसाइज, क्योंकि आगे भी हमने ये एक्सरसाइज की है. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, फिर आगे का दूसरी एक्सरसाइज में आपको करना है. ठीक है, फिर से ख से ठठेरा. फिर ये क्या है? ग. फिर ये ख. क्या बोला गया है हमको ये एक्सरसाइज में? जो वर्ण ठ से अलग है उस पे हमको क्रॉस करना है. ये क्या है? ट. तो इस पे हम करेंगे क्रॉस. ये ख उस पे नहीं आएगा. ड डब्लू का ड उस पे आया. ख नहीं, क. फिर ये क्या है? ख.
ये ग, इस तरह से हमको करना है, ठीक है। नीचे की जो लाइन है वो अभी आपको इस तरह से फिलअप करनी है, ठीक है बच्चों। फिर देखो नीचे पढ़ो और लिखो, ये शब्द जो दिए गए हैं वो शब्द हमको अच्छे से रीड करके लिखना है। फर्स्ट शब्द कौन सा है, हवाकार, क्या है वो जो बेबी हंस रही है जोर से उसको, फिर क्या है, गठरी, गठरी मतलब पोटली बनी हुई है ना वो गठरी, फिर ठेला, ओके। इस तरह से हमको लिखना है हमारी वर्कबुक के अंदर, पर के हमाका, फिर ठग, फिर गठरी, फिर ठेला, ओके। ये जो शब्द दिए गए हैं वो हमको पढ़ के लिखने हैं, ओके बच्चों। फर्स्ट किया है ठहाका, ठग, गठरी, ठेला, ठहाका, ठग, गठरी और ठेला, ओके। इस तरह से हमको ये पढ़ के शब्द हमको लिखने हैं। फिर देखो नीचे शब्दों में से ठ पहचान कर सर्कल करना है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसके अंदर से ठ कठेरा का ठ पहचान कर उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट किया है ठहरना, क्या है ठहरना मतलब रुको, तो उसमें ठ ये रहा फर्स्ट, तो उस पर सर्कल किया हमने। फिर पाठ, क्या है पाठ, तो उस पर ठ पे सर्कल किया। फिर मठ, तो ये रहा मठ पे ठ, फिर पाठशाला, तो ये ठ पे भी हमने सर्कल किया, ठीक है। समझ में आ गया ठ से कठेरा सबको। अब पेज नंबर 23 का, कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर 23, ड से डमरू, क्या है ड से डमरू, डमरू देखा है ना सबने कि नहीं देखा है, जो खिलौना मिलता है ना डमरू वो वाला है, क्या है ड से डमरू, ओके। पेज नंबर 23 निकालो, ये क्या है देखो, ड से डमरू, ड डी ए, क्या है ड से डमरू, ओके। फर्स्ट ऐसा ही है कि ये देखो पिक्चर, देखो ये डमरू की पिक्चर आपको दिख रही है, ये डमरू आपने देखा हुआ है ना, हम सब ने देखा हुआ है ये ड से डमरू। फिर देखो कि ड पहचान कर सर्कल करना है, तो क्या करना है, ड पहचान कर हमको सर्कल करना है, तो ड पे सर्कल किया पहले हमने, इस तरह से ये एक्सरसाइज हमको फिलअप करनी है। ये सर्कल द सेम लेटर आएगा, ओके, जो ड दिया गया है वो ड पहचान के हमको सर्कल करना है, इसी तरह से। फिर क्या है नीचे ख, क्या है ख, फिर न, फिर ख, फिर से ड, फिर ख, फिर ट, और ये ड से डमरू। अब देखो क्या कहा गया हमसे, ड से डमरू, क्या है ड से डमरू, को ड पहचान कर हमको सर्कल करना है। फर्स्ट में कहा है ये रहा, इस पे सर्कल आया, ये इस पे आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो छह से छाता है, फिर ये आएगा ड से डमरू, ये क्या है ट, च, फिर ये रहा ड, इसी तरह से। अब देखो नीचे की लाइन में ड कहाँ है, ये रहा, तो उस पर सर्कल किया, फिर आगे की लाइन में ड, ये रहा, उस पर सर्कल किया। इस तरह से ड पहचान कर हमको सर्कल करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो ड दिया गया है उसके अंदर हमको कलर फिलअप करने हैं और डॉट्स ज्वाइन करने हैं, ओके। अब देखो रीड एंड राइट, क्या है रीड एंड राइट, ये जो ड दिया गया है हमको वो फिलअप करना है। किस तरह से लिखना है, ऐसे हमको लाइनें दी गई है उसके अंदर हमको फिलअप करना है, पर करके लिखना है, क्या है देखो, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ओके। इस तरह से पर कर आपको लिखना है, देखो किस तरह से ड बनाना है, ऐसे करके ऐसे, ओके। इस तरह से आपको फिलअप करना है आपकी वर्कबुक के अंदर, ड से डमरू, ड से डमरू, ओके।
समझ में आ गया कि ये ड कैसे लिखना है। ये हो जाने के बाद हमको पेज नंबर 24 निकालना है। कौन सा पेज नंबर 24 क्या निकालेंगे? पेज नंबर 24 उसमें देखो क्या है कि ड को ड से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। जो ड दिया गया है उससे जो चित्र शुरू हो रहे हैं उसको हमको जॉइन करना है। फर्स्ट क्या है? डमरू। क्या है? डमरू, तो उसको हमने जॉइन किया। फिर ड से डफली। क्या है? ड से डफली, तो हम उसको भी जॉइन करेंगे। फिर चम्मच। चम्मच आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो च से चालू हो रहा है। फिर ड से डलिया। क्या है? ये जो टोकरी आपको दिख रही है ना, उसको क्या बोला है? डलिया। क्या बोला है? डलिया, तो उसको हम जॉइन करेंगे। फिर डगर। क्या है? डगर, डगर मतलब रास्ता, तो उसको भी हम जॉइन करेंगे। ओके, इसके बाद देखो ड के नीचे रेखा खींचो। इन शब्दों में जहाँ ड है उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है। ओके, अब तो ये एक्सरसाइज आपको आ गई होगी क्योंकि अभी हमने की है, तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा किस तरह से करना है। फर्स्ट क्या है? पेड़। ओके, खिड़की। क्या दिया गया है? खिड़की। की लड़का। उसके बाद पहाड़। फिर ठंड। फिर क्या है? दर्शन। बोलते ना आपको डर लग रहा है। अब कहाँ है इसमें ड से डमरू? तो ये रहा पेड़ में ड से डमरू, खिड़की में ये रहा ड, उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। लड़का में ड के नीचे अंडरलाइन, पहाड़ में भी आई अंडरलाइन, फिर ठंड में और डरना। ठीक है, इस तरह से ड पहचान के हमको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, ठीक है। फिर देखो ड से अलग वर्णों को क्रॉस करना है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो ये एक्सरसाइज देखो, इनमें जो ड से अलग वर्ण है उस पे हमको क्रॉस करना है। ठीक है, फिर देखो पढ़ो और लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उनके शब्द दिए गए हैं, वो शब्द पढ़ के हमको शब्द लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा शब्द है? डफली। कौन सा है बच्चों? डफली। फिर दलिया। अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है पढ़ पढ़ के। फिर डबर। फिर डमरू। ओके, फिर से हम एक बार पढ़ के लिखेंगे। ड से डफली, फिर दलिया, फिर डगर, फिर डमरू। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर देखो शब्दों में से ड पहचान कर सर्कल करना है। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनमें से ड पहचान कर उन पे सर्कल बनाना है। ये जो शब्द है लास्ट में, वो लास्ट शब्दों में से ड पहचान कर उन पे सर्कल करना है। फर्स्ट देखो क्या है? डकार। फिर डमडम। ओके, फिर डब। फिर नीडर। देखो अब इसमें कहा है, ये रहा ड इस पे सर्कल की, फिर इस पे सर्कल, और ये भी क्या है? डम डम। क्या है? डम डम, तो इस पे आया ड सर्कल आया, फिर डब में भी आया, फिर नीडर में भी सर्कल। ओके, तो इस तरह से शब्दों में से ड पहचान कर उन पे सर्कल करना है। ओके, समझ में आ गया? तो के बाद क्या पढ़ा हमने? ठ से ठठेरा और ड से डमरू। ओके, इतना हो जाने के बाद पेज नंबर 25 निकालो। क्या है? ड्रॉ। ड से डोल। क्या है? ड से डोल। क्या है बच्चों?
ड से डॉल, ठीक है। आज हमने कितने शब्द वर्ड्स पढ़े, तीन, कितने लेटर, तीन। ध फिर ड फिर ड, अभी हम क्या कर रहे हैं, ड ड से डॉल, डॉल मतलब ड्रम। ड से ढक्कन भी होता है और ड से डॉल भी होता है, ओके। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, डी एच ए ड, ओके। फिर देखो समझ में आ गया, देखो पेज नंबर 25 पढ़ो और लिखो, ये है ना, ड से डॉल ड्रम, ओके। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ड्रम, ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ड को ड से जोड़ो, क्या दिया गया है, यहाँ इस तरह की एक्सरसाइज है आपकी, देखो वर्कबुक में ये क्या है, ड से ड को जोड़ो, तो हमको ये मैच करना है ड से ड को। फिर इस तरह से सर्कल बना हुआ है बच्चों आपकी बुक में, ये क्या है, ड से डोर, क्या है, ड से डोर, तो इसको हमको मैच करना है ड से, तो ये रहा ड, ये दूसरा ये क्या है, इसको करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको ड दिया गया उससे हमको मैच करना है, तो ये रहा ड, ओके। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमको करनी है, ठीक है। फिर देखो ड पहचान पर सर्कल करना है, आगे हमने क्या किया था, जो ड से अलग वर्ण थे उनपे हमने क्रॉस किया था, अभी ये ड पहचान कर उस पर हमको सर्कल करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट में इस तरह से आपको बॉक्स बने हुए हैं एक्सरसाइज में, वो पहचान कर हमको उस पर सर्कल करना है, ठीक है। फिर ड से डमरू और फिर ड से डोर,
ठीक है, यहां तक हमने आज पढ़ा, यहां पे हमारा क्लास वर्क पूरा हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है और आप सबको अच्छी राइटिंग में आपकी वर्कबुक के अंदर लिखना है। ओके, तब तक अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।